आयुष्मान भारत योजना सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना है। जिला शिमला में इन दिनों जो लोग योजना के लिए पात्रता रखते हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। सीएमओ शिमला सुरेखा चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में करीब 47,500 लाभार्थी हैं, जिनमें से करीब 31,500 लोगों के कार्ड बना दिए गए हैं और शेष बचे लाभार्थियों के कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि 31 मार्च से पहले अपने नज़दीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा लें और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से भी लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड हैं, ये हमारी भारत सरकार की जो एक बड़ी अच्छी स्कीम लागू हुई थी, ये 2011 के सेंसस पर आधारित है और उसके तहत जो उन्होंने पूरा लाइन लिस्ट बनाया था उसके सेंसस के डाटा के अनुसार उनके बनने थे। तो हमारे यहाँ पे लगभग 47,500 लाभार्थी हैं शिमला ज़िला में, जिनमें से अब तक हमने 67% लोगों के बना दिए हैं। जो इसमें से बाकी लोग हैं तकरीबन हमने 31,500 के बना दिए, जो बाकी बचे हुए हैं उनका हमने आजकल बना रहे हैं। और क्योंकि इसकी जो विंडो है पूरे साल भर में बहुत लिमिटेड सीमित अवधि के लिए ओपन रहती है, यही मार्च तक आई थिंक ये विंडो को इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जो हमारी पुरानी उससे हमें पता है कि 31 मार्च तक ये विंडो बंद हो जाती है। तो इस दौरान ही ये कार्ड्स जो हैं ये इशू होते हैं। तो जो भी इसमें लाभार्थी, हमने इसकी लाइन लिस्ट हमने अपने ब्लॉक स्तर पर सारे BDOs BMOs के साथ और इवन कि हमने प्रधान के साथ BMOs के माध्यम से शेयर किए हैं, और वैसे ही मैंने पर्सनली यहाँ पे MC में जितने हमारे काउंसलर्स हैं उनके साथ शेयर किए, क्योंकि MC एरिया में भी लगभग हमारे 8,000 प्लस लोग अभी तक हैं, फैमिलीज़ हैं जिनके अभी तक कार्ड्स नहीं बने हैं। तो इसमें क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसमें मेडिकल बेनिफिट अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक का मेडिकल बेनिफिट जो इसके लाभार्थी जो फैमिली है वो सारे मेंबर्स 5 लाख तक का पर ईयर हर साल इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे नेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उनके तहत ले सकते हैं। तो ये अच्छी स्कीम है। तो इसका फ़ायदा उठा के आप लोगों के माध्यम से मैं सारे जो लाभार्थी हैं उनसे यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि वो इसका फ़ायदा लें और ये जल्द से जल्द अपना जो अब तक गोल्डन कार्ड बोलते थे लेकिन आज ही एक नोटिफिकेशन आई है कि आयुष्मान कार्ड से ही अब कहलाया जाएगा, तो वो बनवा लें, क्योंकि ये सीमित अवधि के लिए ही ये पॉसिबल रहेगा और इसलिए ये जो भी निकटतम उनका लोकमित्र केंद्र है वहाँ जाके बनवा लें और मात्र उन्हें 30 रुपये में ये कार्ड बना दिया जाएगा लोकमित्र केंद्र से। और हमने जो IT विभाग है उनसे भी बात की है, तो उन्होंने लोकमित्र केंद्र के जो ऑपरेटर्स हैं उनको डायरेक्शंस गए हैं और वो आजकल ये हम कैंप मोड में कर रहे हैं। तो अब तक हमने जैसे सारे महीने भर के कैंप्स हमने प्लान किए थे और वो चल भी रहे हैं इस टाइम फील्ड लेवल में, और हम डेली बेसिस पे हम लगभग 500-800 कार्ड्स डेली बेसिस पे बना रहे हैं। तो वो आपका एक अच्छा मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपने सारे जो इसमें बेनिफिशरीज हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसका फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवा लें।